वसई पश्चिम में आने वाले हाथी मोहल्ला क्षेत्र में कुछ युवाओं ने अपने ही जेब से पैसे निकालकर 65 लीटर सैनिटाइजर लाए और पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर अच्छे से सैनिटाइजर का छिड़काव कर क्षेत्र को सैनिटाइज किया। आपको बता दें कि जब से देश में कोरोना नामक महामारी का संक्रमण फैला है, तब से प्रशासन भी इस महामारी को लेकर काफी गंभीर हुआ है। वहीं इन युवाओं का कहना है कि प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपना परिसर स्वच्छ रखें। सर, आपका नाम? असलम इकबाल अख्तारी। असलम भाई, आप जो पूरे एरिया के अंदर सैनिटाइजर मार रहे हो, तो ये सैनिटाइजर आप अपने जेब से पैसे निकल के मार रहे हो, क्या आपकी कोई कमेटी है, क्या आपको कोई पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ है? नहीं, हमारी कमेटी है और इसमें 200 लीटर में 2 लीटर डाला जाता है सैनिटाइजर उसमें, और हमने हमारे एरिया में सैनिटाइजर कर चुके हैं हम लोग, तो आज का पहला दिन था। आज का हमारा पहला दिन था। अभी आगे हम लोग कल से आउटसाइड एरिया में भी जाएंगे, हम और ज़्यादा तक का हो सकता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे इस चीज़ में। धन्यवाद। यह हमारे वसई वेस्ट में हाथी मोहल्ला के अंदर आज युवा पीढ़ी ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि पूरे एरिया के अंदर इन लोग ने, ये कमेटी है या जो भी है, युवा लोगों ने अपने जेब से ही पैसे निकाल के अपना आज इन्होंने सैनिटाइजर मंगा के 65 लीटर सैनिटाइजर मंगा के इन्होंने आज पूरे एरिया के अंदर मारने का काम चालू किया हुआ है। आज का इनका पहला दिन है और आज ये लोग सफल हुए हैं। वसई से रफीक मेमन की एक रिपोर्ट।